150 बता रहे हैं ना। कितने बंदे बैठे थे? चार। अब मैं बता दूं दोस्तों, ये एक्सीडेंट है कहाँ का? ये दोस्तों एक्सीडेंट है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का। जो गाड़ी है वो हिमकुंड हुंडई की है, जो टेस्ट ड्राइव की कार है ये। और ये जो कार है, ये जो हुंडई हिमकुंड के एम्प्लॉई थे वो टेस्ट ड्राइव के लिए किसी कस्टमर को टेस्ट ड्राइव देने जा रहे थे। और कार अराउंड लगभग 200-250 के बीच चल रही थी। और जो रोड है वो काफ़ी प्लेन है, लेकिन जो रोड में है झोले है, जैसे ऊंचा नीचा होता है, टेढ़ा मेढ़ा रोड नहीं है, झोले खाता है वो रोड। जैसे आप ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो गाड़ी जंप लेके उछलती हुई चलेगी। नॉर्मल स्पीड में 50-60-70 तक तो उनमें आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब ज़्यादा स्पीड में आप चलाओगे 150 से या 100 से ऊपर चलाओगे तो आपको झोले लेते हुए गाड़ी चलेगी। तो जो ये एम्प्लॉय था, ये ऐसे ही स्पीड में 150 से 200 के बीच लेके जा रहा था। और जो चार इस गाड़ी में चार बंदे बैठे हुए थे, दो पीछे और दो आगे। जो आगे बैठे थे पैसेंजर, साइड का जो था ना, उसने सीट बेल्ट लगाई थी और ना ड्राइवर ने। तो जैसे ही ये इंडस्ट्रियल एरिया के एकदम कोने पे पहुंची, सीएनजी का जो स्टेशन है उसको क्रॉस करके, एनडीपीएल के प्लांट को क्रॉस करके, तो इस गाड़ी ने एकदम जंप लिया और ये जाके मरकरी होती है उसके पोल पे उछल के लगभग 8 से 9 फीट ऊंचे टकरा गई। मतलब गाड़ी ने इतना ऊंचा जंप लिया है तो आप अंदाज़ा ला सकते कि गाड़ी कितनी ज़्यादा स्पीड में होगी। और सीट बेल्ट किसी ने लगाई हुई नहीं थी, तो इसका जो ड्राइवर साइड जो एयरबैग था सिर्फ वही डिप्लॉयड हुआ, वो भी गाड़ी टूटने के बाद। मतलब जो हैंडल है गाड़ी का वो टूट गया और उसके बाद ये एयरबैग डिप्लॉय हो गया, अपने आप खुल गया। और जो गाड़ी के अलॉयज थे वो भी टूट गए। गाड़ी का जो एक साइड का पैसेंजर साइड का हिस्सा था वो टेढ़ा पोल के लगा और गाड़ी 9-10 फीट नीचे गिर गई। तो जो पैसेंजर साइड का पैसेंजर साइड बैठा था बंदा, वो ही सीरियस कंडीशन में। बाकी जो ड्राइवर था और जो पीछे बैठे थे वो बच गए हैं। और जो सीरियस कंडीशन में है वो है पैसेंजर सीट पे जो बैठा था। तो अब खुद अंदाजा लगाइए सीट बेल्ट लगाना कितना ज़रूरी है गाड़ी में, जिससे थोड़ी सेफ्टी हो। लेकिन इस कार में तो सेफ्टी हो गई, मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तो टकराई नहीं है, ऊपर छत की तरफ से जाके लगी है। तो और स्पीड कितनी खतरनाक हो सकती है ये आपने इस वीडियो में देखा ही होगा। सेफ चलें, सेफ चलाएं।